नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आपको मालूम है कि CBSE ने इस साल से क्लास 10th और क्लास 12th का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज कर दिया है, यानी कि अब एग्ज़ाम जो होगा वो टू टर्म्स में लिया जाएगा, टर्म 1 और टर्म 2। 10th के लिए भी ऐसे ही होगा और 12th के लिए भी ऐसे ही होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक में कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो टर्म 1 में आएंगे, कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो टर्म 2 में आएंगे और वो कितने कितने मार्क्स के आएंगे, उसका क्या तरीका रहेगा, इस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये लिखा है कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10th 2021-22 और फर्स्ट टर्म के बारे में अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं। ये जो फर्स्ट पेपर है ये 90 मिनट का होने वाला है और ये सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो आपका MCQs टाइप के होंगे, यानी सारे जो क्वेश्चन आएंगे वो MCQs बेस्ड आएंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जिसमें कि आपको लेंदी या बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व करना पड़े, आपको ओनली ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। इन्होंने क्या करा कि जो फर्स्ट टर्म है उसमें 7 यूनिट ली है। अब उन 7 यूनिट में कौन कौन से चैप्टर आने वाले वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे इन्होंने फर्स्ट यूनिट क्या लिया है, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में ओनली एक ही चैप्टर आएगा, वो आएगा चैप्टर नंबर 1। ठीक है, बात करते हैं हम दूसरे यानी कि यूनिट 2 की। यूनिट 2 का नाम है एलजेब्रा। इस एलजेब्रा में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, तो इसमें 2 चैप्टर्स आएंगे। एक तो आएगा चैप्टर नंबर 2 और एक आएगा चैप्टर नंबर 3, यानी कि पॉलीनोमियल्स और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये 2 चैप्टर जो है वो आपका एलजेब्रा में आने वाले हैं। कितने मार्क्स के आने वाले हैं, ये 10 मार्क्स के आने वाले हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि 5 मार्क्स का चैप्टर 2 आएगा और 5 मार्क्स का चैप्टर 3 आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों चैप्टर मिला के 10 नंबर का आने वाला है। ये जरूरी नहीं है कि दोनों में से हाफ हाफ यानी 5-5 मार्क्स के आए। हो सकता है कि चैप्टर 3 क्योंकि बड़ा चैप्टर है उसमें से ज़्यादा मार्क्स आ जाए, यानी कि हो सकता है उसमें 7 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाए और जो चैप्टर 2 है उसमें से ओनली 3 मार्क्स के क्वेश्चन आए, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन टोटल मिला के 10 मार्क्स का आने वाला है। इसी तरह से चैप्टर नंबर 1 जो है वो 6 मार्क्स का आने वाला है, यानी चैप्टर नंबर 1 6 का, चैप्टर नंबर 2 और 3 जो दोनों मिला के कितने आएंगे, 10 मार्क्स का आएगा। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड यूनिट की, यानी जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अंदर जो चैप्टर नंबर है वो 7 आने वाला है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये 7 नंबर का चैप्टर है आपकी बुक में और ये आने वाला है 6 मार्क्स का। ठीक है, अभी तक हमने कितने चैप्टर हो गए हमारे पास, चैप्टर नंबर 1, 2 और 7। अब बात करते हैं हम जो फोर्थ यूनिट है जिसको हम ज्योमेट्री बोल रहे हैं। ये जो ज्योमेट्री है वो आने वाली है आपके पास कितने नंबर की, 6 नंबर की, और ये है चैप्टर नंबर 6। ठीक है, ट्राइंगल्स जिसको हम बोलते हैं ट्राइंगल्स, तो ट्राइंगल्स चैप्टर जो है वो आने वाला है आपका 6 मार्क्स का। ठीक है, अब जाते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री यानी कि यूनिट नंबर 5 ट्रिग्नोमेट्री। इसमें आपका आने वाला है चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 जिसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो चैप्टर जो है वो 5 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, फिर जो यूनिट नंबर 6 है उसका नाम है मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में जो चैप्टर नंबर 12 है यानी एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, वो जो चैप्टर है वो आपका आने वाला है 4 मार्क्स का। ठीक है, अब लास्ट में है यूनिट नंबर 7 जिसको स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं ये, और इसमें जो चैप्टर नंबर आने वाला है वो चैप्टर नंबर आपका 15 आने वाला है, 15 चैप्टर यानी प्रोबेबिलिटी, वो आएगा ओनली 3 मार्क्स का। ठीक है, तो इस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है और इस तरह से चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कुल मिला के आपको टर्म 1 में कितने चैप्टर पढ़ना है, 8 चैप्टर पढ़ना है। कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है मैं बता देता हूँ, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, फिर 6, 7, 8, फिर 12 और 15। ये चैप्टर जो है वो आपको टर्म 1 में पढ़ना है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो इंटरनल असेसमेंट है टर्म 1 के लिए वो किस प्रकार से होगा। तो देखिए, ये इंटरनल असेसमेंट है, इसमें पीरियडिक टेस्ट यानी जो आपका PT1 है उसमें से 3 मार्क्स लिए जाएंगे, यानी उसका जो वेटेज है वो कितने का है, 3 मार्क्स का, क्योंकि आपको टोटल कितना है, 10 मार्क्स आपको करना है। उसमें से 3 मार्क्स किस में से लिए जाएंगे, आपके पीरियडिक टेस्ट में, जो भी आपके पीरियडिक टेस्ट में जो नंबर आने वाले हैं उसमें से 3 मार्क्स क्या होगा कि आपके इधर ऐड कर लिए जाएंगे। ठीक है, किस में, एज अ इंटरनल मार्क्स। फिर मल्टीपल असेसमेंट, ये आपको आपके टीचर बताएंगे कि मल्टीपल असेसमेंट वो किस तरह से लेते हैं, उनके ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो एग्ज़ाम है वो किस तरह से कंडक्ट करवाते हैं। तो उसमें से क्या होगा कि 2 मार्क्स लिए जाएंगे,
तो 3 इसमें से हो गए और 2 इसमें से हो गए, ओके। इसके बाद पोर्टफोलियो आपने देखा होगा, लास्ट ईयर भी आपने बनाया था पोर्टफोलियो, स्टूडेंट वाइज पोर्टफोलियो बनता है। तो पोर्टफोलियो कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का, ये 2 मार्क्स पोर्टफोलियो का क्या हो गए। और स्टूडेंट इनरिचमेंट एक्टिविटी प्रैक्टिकल बुक वर्क जो होता है, ये जो है वो आपका 3 मार्क्स का रहेगा। जो आपको रिटर्न वर्क है आपने देखा होगा कि मैथ लैब मैनुअल है उसमें से आपको कुछ एक्टिविटी करवाई जाती है, तो उन एक्टिविटीज़ का 3 मार्क्स है, यानी टोटल मिला के आपको 10 मार्क्स इस तरह से दिए जाएंगे एज अ इंटरनल मार्क्स। 40 मार्क्स का आपका पेपर हो गया और 10 मार्क्स का आपका ये इंटरनल असेसमेंट हो गया। ये दोनों मिला के 50 मार्क्स का पेपर रहेगा, ये दोनों मिला के 50 मार्क्स का टर्म वन रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे सेकंड टर्म की, यानी सेकंड टर्म या कह सकते हैं टर्म टू की। तो टर्म टू में को इन्होंने क्या करा, टर्म टू का जो कोर्स है इसको 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। अब उन 5 यूनिट में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं एलजेब्रा की। एलजेब्रा जो यूनिट नंबर 1 है उस वो 10 मार्क्स के आने वाला है। इसमें कौन कौन से चैप्टर है, एक तो है चैप्टर नंबर 4 जिसको हम क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बोलते हैं, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक की इक्वेशन, और उसी के साथ चैप्टर नंबर 5 भी आने वाला है जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये दोनों ही चैप्टर यूनिट 1 में दिया गया है, यानी एलजेब्रा में दिया गया है, ठीक है, और वो 10 मार्क्स का आएगा। अब हम बात करते हैं हमारे यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में 2 चैप्टर आने वाले हैं, एक तो चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 यानी कि सर्कल, और दूसरा चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 जिसको हम कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो चैप्टर नंबर 10 और 11 ये दोनों चैप्टर जो है वो किसका पार्ट है, यूनिट 2 ज्योमेट्री का पार्ट है, और ये 9 नंबर का आने वाला है। पहला जो यूनिट है एलजेब्रा जिसमें कि चैप्टर नंबर 4 और 5 है वो आपका 10 नंबर के आएगा, और जो ज्योमेट्री यूनिट है उसके अंदर भी 2 चैप्टर हैं 10 और 11, वो दोनों ही चैप्टर जो है वो 9 नंबर के आने वाले हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोल रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपका जो चैप्टर नंबर 9 आने वाला है, चैप्टर नंबर 9 जिसको आप सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोलते हो या हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हो कोई लोग, तो चैप्टर नंबर 9 जो है वो आपका आएगा 7 मार्क्स का, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 यानी मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन में आपका आएगा चैप्टर नंबर 13 जिसको हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम बोलते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये चैप्टर नंबर 13 है, वो आपका है मेंसुरेशन का पार्ट, यानी कि यूनिट नंबर 4 ये आने वाला आपका 6 मार्क्स का। फिर बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की जिसको हम स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं। ये जो आने वाला है वो इसमें जो है आपका चैप्टर नंबर 14 आएगा जिसको हम स्टैटिक्स बोलते हैं, चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स। ये चैप्टर इतने चैप्टर जो हैं, यानी ये कुल मिला के 7 चैप्टर हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं, एक तो चैप्टर नंबर 4 5 10 11 9 13 एंड 14, ये जो 7 चैप्टर है वो आपके टर्म 2 में आने वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि टर्म 2 में इंटरनल असेसमेंट किस प्रकार से लिया जाएगा। तो टर्म 2 में भी इस इंटरनल असेसमेंट जो है वो पीरियोडिक टेस्ट जो आपका होगा, पीरियोडिक टेस्ट जिसको PT2 बोलते हैं, PT2 आपका 3 मार्क्स का हो गया, ठीक है। इसके बाद मल्टीपल असेसमेंट जो आपके टीचर जिस तरह से भी लेंगे, वो जो मार्क्स होंगे वो 2 मार्क्स इसमें ऐड किए जाएंगे, 2 मार्क्स। इसके बाद पोर्टफोलियो फिर से बनेगा, यानी कि वही जो आपने टर्म 1 में पोर्टफोलियो बनाया था उसी टाइप से टर्म 2 में भी पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, वो आपका 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट इनरिचमेंट एक्टिविटी प्रैक्टिकल वर्क, ये जो वही मैथ लैब मैनुअल से जो आपको दूसरी एक्टिविटी करवाई जाएगी, देखो टर्म 1 में कुछ एक्टिविटी करवाई जाएगी, फिर टर्म 2 में भी कुछ एक्टिविटी करवाई जाएगी, उस एक्टिविटी को में 3 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, तो आपका ये टोटल हो गया 10 मार्क्स। तो इस तरह से 40 मार्क्स का पेपर और 10 मार्क्स का जो आपका है इंटरनल असेसमेंट, ये दोनों मिला के हो गए 50। तो इस तरह से जो टर्म 1 था वो भी 50 मार्क्स का था, और इसी तरह से टर्म 2 जो है वो भी आपका 50 मार्क्स का होगा, टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। तो आपका टोटल जो है वो 100 में से दिए जाएंगे, टर्म 1 में से 50 और टर्म 2 में से 50। तो आज हमने इस वीडियो में ये पता किया कि किस टर्म में कौन से नंबर के चैप्टर आने वाले हैं और कितने कितने नंबर के वो चैप्टर होंगे। हम हमारे अगले वीडियो में ये जानेंगे कि कौन से चैप्टर में से कौन सा पार्ट कट हो गया है और कौन सा पार्ट उसमें इंक्लूड हुआ है, क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट ईयर जो है वो 30% जो कोर्स है, 30% जो सिलेबस है वो डिडक्ट कर दिया था बोर्ड ने, तो उसमें से कितना पार्ट उन्होंने हिस्सा ले लिया है और कितना पार्ट नहीं लिया है, इसकी चर्चा हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बेथ प्रूफ मैं आपको बुक के साथ बताऊंगा कि कौन से नंबर का पेज आपको नहीं पढ़ना है और कौन से नंबर का पेज की ज़रूरी चीज़ें आपको पढ़नी है, कौन सी नंबर के पेज की चीज़ें कट गई है यानी कि डिलीट हो गई है, इस साल सिलेबस में नहीं है, और कौन सी इंक्लूड हुई है, सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आप हमारा अगला वीडियो जरूर देखिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।